नमस्कार, आज आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आपके लिए आज की जो ब्रेकिंग न्यूज है, उन बच्चों के लिए जिन्होंने पिछले 2 साल से कड़ी मेहनत करी है अपनी जेई एग्जाम्स के लिए और नीट एग्जाम्स के लिए। कोरोना के कारण उनकी डेट्स जो आई हुई थी वो स्थगित कर दी गई थी गवर्नमेंट ने मद्देनजर रखते हुए, लेकिन जैसा कि अभी सूचना मिली है हमारे पास एचआरडी मिनिस्टर रमेश पालेकर जी ने डेट अनाउंस कर दी गई है। और मैं भी आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से जिन बच्चों तक ये मैसेज भेजना चाहता हूं, सभी बच्चों तक जिन्होंने पूरी 2 साल कड़ी मेहनत की है, अब उनके लिए कुछ डेट तो ने लगी गई पता, लेकिन अब स्ट्रेटेजी बनाकर अगर वो पढ़ेंगे तो वो अपने जो तैयारी है उसको और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो उसी के साथ ही अब मैं वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और आप इसको ज्यादा से ज्यादा देखें, शेयर करें, जिससे कि जो मैसेज है ये सभी बच्चों तक पहुंच सके। मैं आपका होस्ट चंद्र प्रकाश वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। और आज जैसा कि हमारे माननीय ऑनरेबल एचआरडी मिनिस्टर द्वारा जेईई मेंस की डेट अनाउंस की, उन्होंने 18 जुलाई और 23 जुलाई के बीच में होने वाले हैं, और जो नीट का एग्जाम है वो आपका 26 जुलाई को होगा। तो प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, सभी को अब आपने देख लेना है कि आपने जेईई मेंस का जो पेपर होना है आपका 18 और 23 के, और अगला जो एडवांस का पेपर होना है, उन्होंने अगस्त की डेट के बारे में बताया, उसकी डेट अभी निश्चित नहीं की है आपने। अब आपके पास 73 डेज बचे हैं शेष, 73 डेज आर लेफ्ट। आज से ही अपनी क्लॉक पे उल्टी गिनती स्टार्ट कर दें तैयारी करने के लिए। आपके पास अब 73 दिन पड़े हैं। और इसी प्रकार से जो नीट के हमारे विद्यार्थी हैं, भाभी हमारे डॉक्टर्स हैं, उनके पास अब इसकी तैयारी करने के लिए 80 दिन शेष बचे हैं। तो प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, हमारे होने वाले भाभी इंजीनियर्स, हमारे भाभी डॉक्टर्स, उनके लिए मैसेज है मेरी तरफ से कि अगर अब आप शेड्यूल बनाकर जितना भी 2 साल का काम आपने किया है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लें, सब्जेक्ट वाइज आप डिवाइड कर लें, और डिवाइड करने के बाद एक शेड्यूल बनाए और शेड्यूल के हिसाब से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका जो स्कोर है, रैंक है, वो बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। और आपके पास अब फ्री टाइम है और आपके पास ज्यादा से ज्यादा समय है, अब आप इसकी जो तैयारी है वो बेटर से बेटर ढंग से करें। और मेरी सभी बच्चों तक यही संदेश पहुंचाना है कि ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, और अच्छे से पढ़ें। और जो डाउट्स आपके कुछ केमिस्ट्री में अगर रह गए हैं तो आप मेरे चैनल को देखकर भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। मैं कुछ चैनल के माध्यम से भी कुछ केमिस्ट्री के प्लस टू के नोट्स इसमें डाल रहा हूं, अपने लेक्चर्स डाले हैं, तो उनको भी आप अगर आपका कहीं किसी टॉपिक के अंदर कोई डाउट छूटा हुआ है तो वो आप इसमें से मेरे देख सकते हैं। और मन में भी अगर आपके किसी भी चैप्टर में से कोई भी प्रश्न आता है तो उसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें या मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, तो मैं उसका भी लेक्चर बनाकर आपके साथ शेयर करना अपना सौभाग्य समझूंगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरीके की जो इंफॉर्मेशन है न्यू और लेटेस्ट वो आपके साथ मैं शेयर कर सकूं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। मैं आप सभी से अलविदा लेता हूं। धन्यवाद।